से बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल पर बदसलूकी का आरोप लगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बदसलूकी का आरोप लगा है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने यह आरोप लगाया है। आपको बता दें कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर बदसलूकी का आरोप लगा है। विज्ञापन मामले पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल के आवास पर यह घटना हुई है। तो इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल पर सीधा सीधा आरोप लगाया है मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने। उनका कहना है कि उनके साथ बदसलूकी हुई है। दरअसल विज्ञापन मामले को लेकर बदसलूकी का आरोप लगाया है मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने। और 21-22 फरवरी को लखनऊ में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को फाइनल लुक दिया जा रहा है। तैयारियों पर नजर रखने के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक वॉर रूम भी बनाया गया है, जिसका काम पुलिस प्रशासन, मेडिकल, पर्यटन, ट्रैफिक, फायर और इवेंट से जुड़े अफसरों के बीच तालमेल रखना होगा। इस यूपी में किस तरह की व्यवस्था है वो भी आपको बता दें। सड़क मार्ग से प्रवेश करने वालों का भव्य स्वागत होगा। अन्य राज्यों से यूपी आने वाले लोगों का पीडब्ल्यूडी स्वागत करेगी। यूपी में सभी इंटरस्टेट रूट्स को डायवर्ट किया गया है। प्रवेश द्वार वहां पर बनवाए गए हैं और प्रवेश द्वार के यूपी के प्रवेश द्वार से जो यूपी के विकास की तस्वीर है वो नजर आने की उम्मीद है। और इस समिट में कल देशभर के उद्योगपति जुटेंगे। 100 से ज्यादा मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कारों का काफिला लखनऊ में मेहमानों की अगुवाई के लिए पहुंच गया है। अजीत की ओर रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मौजूद हैं। अजीत, भव्य तैयारियां हो रही हैं और अब बहुत ही कम वक्त रह गया है इस समारोह के शुरू होने में। क्या कुछ तैयारियां और चल रही हैं, क्योंकि अब तेजी आ गई होगी उन तैयारियों में? बिल्कुल गीतांजलि, जो सुबह का माहौल था अब इस समय का माहौल बदल चुका है। सारे अफसर अफसरान आ चुके हैं, जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं वो आ चुके हैं। कुछ गाड़ियां भी बीएमडब्ल्यू की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर अभी गई हैं, इसी जहां पर हम खड़े हैं इसी रास्ते से। और जो सबसे बड़ी बात गीतांजलि बता दें कि कल जब प्रधानमंत्री आएंगे और पूरी दुनिया और देश की नामचीन हस्ती आएंगी, उद्योगपति आएंगे, तो एक चीज पहली बार आपको देखने को मिलेगा इस कार्यक्रम स्थल पर, रोबोट खुद सबका स्वागत करेगा और बोलेगा आतिथ देव भवा। यानी एक तरीके से नई चीज, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इसमें किया जाएगा और रोबोट तीन भाषाएं समझेगा, उसका इंग्लिश, अंग्रेजी भी समझेगा, संस्कृत भी समझेगा, हिंदी भी वो समझेगा और सभी भाषाओं में वो बोलेगा आतिथ देव भव। तो कुल मिलाकर जो सरकार की तरफ से तैयारी है कि कोई चूक ना रह जाए, हम ऐसी मिसाल पेश करें कि जो इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं वो हमेशा उत्तर प्रदेश में आए और निवेश लगाए। हालांकि बुंदेलखंड का जो इलाका है, आपको बता दें लगभग 14,000 एकड़ जमीन ऐसी है गीतांजलि, जिसको चिन्हित किया गया है जहां जहाज और सेना का हब बनाया जाएगा। यानी वहां सेना का टैंक बनेगा, सेना के हथियार बनाए जाएंगे, जहाज के पार्ट्स बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक, रुहेलखंड से लेकर अवध तक कोई इलाका नहीं है जो अछूता रह जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बजट पेश हुआ अभी जो है 4,28,000 करोड़ का गीतांजलि, उसमें 30,000 करोड़ रुपया उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए दिया था। तो जिससे हर जिले में एक उत्पाद मशहूर हो जाए। अगर अलीगढ़ से ताला लेना है आपको, कन्नौज से इत्र लेना है, मुरादाबाद से पीतल का बर्तन, बनारस से साड़ी, उस जिले का नाम और उस उत्पाद का नाम दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाए। अगर बात पीतल की हो तो आदमी कहने मुरादाबाद में मिलेगा, साड़ी तो बनारस मिलेगा। ये जो पूरा पिछले का इलाका है, कमांडोज भी आ चुके हैं गीतांजलि, आपको बताएं जो सिक्योरिटी है वो पूरा छावनी में बदल गई है पूरी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। और तैयारी लगातार चल रही है, वार रूम में लगातार अपडेट हो रहा है, सिक्योरिटी जा रही है, एसपीजी आ गई है, कमांडोज आ गए हैं। अगल बगल का जो इलाका है गीतांजलि, वो चाहे दाहिने हाथ में जो हाईकोर्ट है वो इलाका है, बाएं हाथ का जो इलाका है वो, सभी जगहों पर सिक्योरिटी ने अपना चाक चौबंद कर लिया, छतों पर सिक्योरिटी को पहुंचा दिया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हाई प्रोफाइल कार्यक्रम है, देश और दुनिया भर के जो उद्योगपति हैं वो आ रहे हैं, तो कोई चूक ना रह जाए। अंतिम रूप में ये तैयारी है, जो ये इलाका हमारे बाएं हाथ पे दिख रहा है जहां प्रधानमंत्री के बैठने की व्यवस्था है, वीआईपी लॉन्ज है, वो तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि खान पान के चार कॉरिडोर बनाए गए हैं गीतांजलि, इन चारों कॉरिडोर में आपको
अलग अलग विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिलेंगे आपको, डिश उसमें दिखाई देगा। लखनवी जो भोजन होता है कहा जाता है, मुगल काल का जो भोजन होता है, लजीज जो पराठे होते हैं, कबाब होते हैं, उस सब की उस तरीके की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। इसके अलावा 500 कलाकार पूरे देश भर से, दुनिया भर से ऐसे आ रहे हैं, जो 500 कलाकार लगभग 50 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दो दिन के दौरान पेश करेंगे। इसके अलावा 18 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। 22 सेशन में इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया जाना है। चाय पर भी चर्चा होनी और मुख्यमंत्री कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा अजीत कि जितने इन्वेस्टर्स वहां पर पहुंचेंगे उन्हें आकर्षित करने की पूरी तैयारी हो रही है। अब नजर इस बात पर है कि इन्वेस्टर्स इस समिट से कितने अट्रैक्ट होते हैं और क्या कुछ आयाम नए उत्तर प्रदेश को मिलते हैं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, नजर बनाए रखिए और अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास।